गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा हाजिर है ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा इस मंडे मोटिवेशन की सभा में। दोस्तों, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों का वीकेंड बहुत ही अच्छा गया होगा और बहुत एक्साइटिंग रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीक की और कुछ ऐसा शेयर करते हैं कि आपका और आपके परिवार का, दोस्तों का, जानने वालों का थोड़ा सा मोटिवेशन में बढ़ा सकूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज, कुछ ज़्यादा ही फेसबुक में एक्टिव था, बहुत सारे आपके लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज़ दिखे तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा मैंने ग्राफिक शेयर किया कि आज का टॉपिक क्या है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं देखा तो चलिए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। और आज का टॉपिक है कि व्हाई एवरी इंडियन यूथ नीड टू बिकम एन NRI एटलीस्ट फॉर 5 years, फॉर नॉट द लाइफ, एटलीस्ट फॉर 5 years। NRI, when I meant that, you know, that a youth need to experience outside of India the Western world experience. Yeah? So at least for 5 years. So the 5 reasons. So I'm going to explain today those 5 reasons. Not only that, I'm also going to briefly touch, because I, you know, as I say that whenever I'm, you know, basically replying those questions almost every day, 10 to 15 calls, and many questions are coming related to immigration, that sure, I want to come to Canada, or I want to go this country, that country, should I go or not, how's the lifestyle, how expensive, and how much I can make, and all those different questions. So it won't be very long, so I will not able to cover everything. I'm also going to briefly touch that how you can migrate and also where you need to migrate. So I will also briefly touch on those topics as well today is Monday morning ki sabha mein. But basically jo main hoga ki wo 5 reasons aise kaun se hain jisse ki har Indian youth ko migrate karna chahiye, especially a western world. Dosto, jab main western world ki baat karta hun to mostly North America and Europe. Yeah, to chaliye अब हम क्या करते हैं कि पहले तो हम ये आते हैं कि जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडियन यूथ की, बट फॉर दैट मैटर, यू नो, बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूथ, यू नो, इट कैन बी फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल एंड अदर दोज, यू नो, नेबरिंग सब कॉन्टिनेंट कंट्री. सो वहाँ के जो यूथ है, जब मैं यूथ की बात करता हूँ तो बेसिकली राइट फ्रॉम टीनेजर टू अप टू 30 एटलीस्ट, दे नीड टू एक्सपीरियंस 5 years. Yeah, and why, what are those reasons? I am going to come on those reasons later, but first let me brief that the first thing I mentioned, that where you can migrate today. So दोस्तों, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, चलिए मैं इंडिया का हूँ और इंडिया के यूथ से बहुत सारा इंटरेक्ट करता हूँ, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अभी 15,700 कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन में, और मोस्टली उसमें यूथ है, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, जब कॉल्स होते हैं, उनसे बात करता हूँ, फिर ऐसे ऐसे, यू नो, बातें पूछते हैं, बताने में बहुत अच्छा लगता है. लेकिन कभी कभी सोचा कि इंडिविजुअली बता कि चलिए आज उसी पर प्रोग्राम कर लेते हैं दोस्तों. या तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर टू माइग्रेट. दोस्तों, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आज की डेट पे माइग्रेट होने के लिए केवल 4 ही कंट्री आपके लिए ओपन हैं, और वो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, US एंड कैनेडा. दोस्तों, यूरोप कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए कि अब यूरोप की इकॉनमी वैसी इकॉनमी नहीं रही जिसके लिए पहले जाना चाहता था. कुछ यूरोपियन कंट्रीज़, यू नो, इम्प्रूव कर रही हैं, लेकिन और ज़्यादा जानकारी के लिए आप खुद नेट को सर्फ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव डेस्टिनेशन यूरोप नहीं रही है. घूमने के इरादे से बहुत बढ़िया जगह है, खूबसूरत जगह है, लेकिन पैसा कमाने की वजह से उतना अच्छा माहौल नहीं है जितना
कि इस समय नॉर्थ अमेरिका का और स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, या तो दोस्तों अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो तो यही चार कंट्री हैं। थोड़ा सा और अगर मैं उस पर डिटेल में जाना चाहूँ तो जैसे न्यूजीलैंड है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए नहीं है। दैट इज़ मोस्टली फॉर द लिटिल एल्डरली एंड सीनियर पीपल। आपके बड़े बड़े घर हो सकते हैं, आप गायें पाल सकते हैं और बहुत ही यू नो रिलैक्स लाइफ स्टाइल है, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और भी वहाँ पे डेयरी और क्या कहते हैं कुछ आप डिटेल पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव यूथ के लिए नहीं है। सेकंड रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन दोस्तों जितना कि मेरे दोस्तों से मालूम है कि एक तो है कि रेस्ट ऑफ द कट यू नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा है इंडियन लोग बहुत हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हारमोनिकल इन्वायरमेंट नहीं है जितना कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में है, स्पेशली कैनेडा और US में। तो उस एंगल से भी मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगा। हाँ, आप जा सकते हो यू नो तो अभी चलिए मैं बताऊँगा कि कैसे जा सकते हैं, लेकिन अभी आते हैं पहले कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पे, चलिए अब आते हैं US पे। दोस्तों दो देर आर 42 टाइप्स ऑफ वीज़ा टू गो टू US। आपका कोई स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है, डेपुटेशन पे हो सकता है, अगर आप किसी कंपनी के लिए लाइक इन्फोसिस विप्रो कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं इंडिया में, वो आपको भेज सकती हैं। H1 भी एक कैटेगरी है, लेकिन वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल, मोस्ट ऑफ द H1s आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द बिग कॉर्पोरेशंस, बिग कंपनीज। तो आम आदमी को अब H1 पाना एक तरीके से ड्रीम के बराबर है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि US इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली परमानेंटली माइग्रेट, दो इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। सो नाउ कम्स डाउन टू द फोर्थ प्लेस, दैट इज कैनेडा। दोस्तों कैनेडा क्या है कि पहली बात तो इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। आज की डेट में अगर खाने पीने की भी अगर बात करें तो इंडिया से बाहर अगर देखा जाए तो केवल तीन ही जगह हैं खाने पीने के, अपने कुछ लोगों को मिस करते हैं। तो खाना पीना अगर आप US में देख लें तो शिकागो में दीवान स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में भी जैक्सन हाइट से लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, और उस तरीके से लंदन का साउथ हॉल, और हमारे टोरंटो में जेरार्ड स्ट्रीट या चौड़ा बाजार या बहुत सारे यहाँ पे, तो ब्रैम्पटन मिसागा और ये सब एरिया भरे हुए हैं इंडियन रेस्टोरेंट से, दुकानों से, हर चीज़ आपको दोस्तों मिल जाती है। रादर इंडिया से अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है, क्योंकि इंडिया में बोलते हैं भाई एक्सपोर्ट क्वालिटी है, तो हमारे लिए तो वो जो आपकी एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो हमारे लिए इम्पोर्ट होके यहाँ पे आता है। हमारे बात मतलब अब मैं कनाडा में हूँ तो कनाडा की बात करता हूँ। तो ये जो चीज़ रही कि नॉट ओनली दैट, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वंस यू बिकम कैनेडियन क्या होता है कि कनाडा US और नेफ्टा, सॉरी कनाडा US और मैक्सिको के बीच में नेफ्टा एग्रीमेंट है, तो उसके अंडर में क्या होता है कि कोई भी किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकता है। फॉर इंस्टेंस वंस यू बिकम कैनेडियन, somebody need to just give you a job in US and you can just cross the border, and on the border doesn't matter what is the mode of your port of entry, is you are by air, by train, by you know bus, you know, on border looking at your appointment letter they will stamp the TN visa on your passport. दोस्तों तो ये क्या हो सकता है कि आप वंस यू कैनेडियन देन यू आर फ्री ऑलमोस्ट टू वर्क इन US, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। ऑफकोर्स जैसे मैं ही हूँ, अपना करियर मैंने कैलिफोर्निया शुरू किया एंड फाइनली आके मैं यहीं पे सेटल हो गया। तो दोस्तों कैनेडा हर लिहाज से, हर तरीके से सबसे बेस्ट कंट्री आज की डेट पे है, एंड मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट रिस्पेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इन यू नो इन यूरोपियन एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसलिए तो दोस्तों एक थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया, बाकी आज के डेट में सब कुछ YouTube, Facebook और क्या कहते हैं कि बहुत सारे उसमें हैं। और कोई अगर दोस्त हमारे और जानकारी लेना चाहें अगर कैनेडा के बारे में, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो www.cic.gc.ca। और अगर स्पेशली इंडियन कम्युनिटी के बारे में आप जानना चाहें कि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे कैसे रह रही हैं, क्या करती हैं, उनसे आप दोस्त बनाना चाहें, तो एक साइट है जिसका नाम है canadiandesi.com। तो दोस्तों मेरा कोई एफिलिएशन नहीं, कोई इसमें नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो मैं और दोस्तों को भी ये शेयर कर देता हूँ, तो आप उसमें जाके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों कहाँ पे आपको माइग्रेट करना चाहिए। अब जल्दी से हम पिक कर लेते हैं कि कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हर कंट्री का अपना अलग सिस्टम होता है, जैसे कनाडा में पॉइंट सिस्टम है,
तो उसमें आप अप्लाई करें और उसके बाद पॉइंट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा. और देर आर यू कैन कम एज एन स्टूडेंट, यू स्टडी हियर 2 years, 3 years, एंड देन द गवर्नमेंट विल गिव यू सम टाइम 2-3 years टू स्टे हियर, टू वर्क हियर, एंड विद दैट टाइम यू कैन यू नो अप्लाई योर PR, आर यू कैन अरेंज एन एम्प्लॉयमेंट, यू कैन कम ऑन अ वर्क वीज़ा, एंड थ्रू द एम्प्लॉयर ही or she will help you to process your PR, or you can come in the business category, you can come as a firm, or you can, I mean there are many many ways. Ek cheez yahan pe main doston zarur batana chahunga ki aaj ki date pe jaise Canada mein hai, depend karta hai, rules regulation changes hote rehte hain, so I'm not expert, but what I'm trying to say here is that ho sakta ki aap doctor ho ya IT ke ho ya engineer ho, sakta aapko immigration na mile, lekin ek jo little lower trades hoti hain, chahe jo ITI ya diploma karke ya jo log hote hain, especially jo ITI karke jaise फिटर होते हैं, बिल्डर होते हैं, यू नो वेल्डर होते हैं, और उस टाइप के जो इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन जो होते हैं, तो हो सकता है उनको वीज़ा मिल जाए. लेकिन एक वो जो LTS होता है, जो बेसिकली जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है स्कोरिंग, वो मस्ट, अगर वो पास कर ले गए तो जो लो लिटिल यू नो जो ट्रेड्स होती हैं, तो उनको मिलना बहुत आसान हो जाता है. दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन जैसे आप इंडिया में हैं तो एक कंसल्टेंट काफ़ी लोगों ने बताया हुआ है, एंड आई टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट दैम इफ़ यू मेक एनी डीलिंग, बट यस इट्स कॉल abhinav.com, abhinav.com. तो उनसे क्या कर सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपना केस डिस्कस कर सकते हैं. और वो मैं बीइंग कैनेडियन, कनाडा में 18 साल से हूँ, लेकिन जो रूल रेगुलेशन हमें नहीं मालूम होते हैं, कोई अब ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन जो कंसल्टेंट होते हैं, इनको सारी जानकारी होती है. दोस्तों उनसे आप पता कर सकते हैं, तो वो आपको सारा बता देंगे कि भाई आप इसके लिए क्वालिफाइड है नहीं है, या क्या चीज़ें चाहिए, क्या गैप्स हैं, और क्या इसके लिए ऐड कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में. तो उसके लिए दोस्तों वो आपको बता देंगे, या तो या एज ए स्टूडेंट आ सकते हो, कनाडा में जा सकते हो, US में जा सकते हो, यूरोप जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, हर उन कंट्री में. तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, कभी कभी जाया करो और देखा करो, एक ही ज़िंदगी मिलती है, और तो उसमें आपको वो ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए. या तो चलिए दोस्तों, ये बता दिया कि कहाँ पे जाना चाहिए, ये बता दिया क्यों कैसे जाना चाहिए. अब हम आते हैं उन 5 रीज़न पे कि वाई एवरी इंडियन यूथ नीड टू बिकम NRI एटलीस्ट फॉर 5 years. व्हेन आई से NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मींस यू आर लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया. लाइक आप मिडल ईस्ट में रहते हो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट, ऑलमोस्ट 100%, दुबई थोड़ा रिलैक्स किया था वो अपना, क्या कहते हैं, व्हेन आई वाज लिविंग इन बहरीन दोज डेज, तो अपना फ्री ट्रेड यू नो क्या शुरू किया था कुछ, जब लाली वगैरह में क्या आप अगर खरीदते हैं वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी, देन यू विल गेट 99 ईयर यू नो वीज़ा आर समथिंग लाइक दैट. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इन द मिडल ईस्ट मोस्टली यू डोंट गेट परमानेंट रेजिडेंसी, बट लाइक इन कैनेडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, US, इन जगहों पर क्या होता है, आपका ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप यू नो, तो ये आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली कैनेडा में. तो आप यू नो यू कैन बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होल्डर, एंड दैट लेटर ऑन आफ्टर स्टेइंग सर्टेन यू नो ईयर्स, एंड यू नो मेकिंग श्योर दैट यू मेट ऑल द कंडीशंस यू नो एज पर द कैनेडियन रूल, यू विल बिकम अ कैनेडियन सिटीजन ऑल्सो. या तो इस तरीके से, तो इस तरह बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, यूरोप के हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अपने रूल रेगुलेशन हैं. दोस्तों मुझे उतना नहीं मालूम है, लेकिन इंडिया से बाहर आप कोर्स यू नो आपका और कहाँ जाना चाहोगे, एक यूरोप है या इधर अपना यू नो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैनेडा, इन मुल्कों में. तो ये है दोस्तों यहाँ पे आपको माइग्रेट करने के लिए, और ये तरीके होते हैं स्पेशली जैसे कि मैंने किया था. एक तो पहली बात क्या है कि आपके अंदर ये क्यों जाना चाहते हैं, और फिर लगन होनी चाहिए. मैं अपना एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आप लोग सुन रहे होगे, अरे राकेश जी आप कनाडा में बैठे हो और वहां से आप बताते हो, इतना आसान थोड़ी ना होता है माइग्रेट होना, मैं जाना तो चाहता हूं लेकिन नहीं जा सकता. दोस्तों क्या होता है कि ये सब लगन पे होता है. आप मेरा एग्जाम्पल ले लो ना, मेरा कोई सोर्स था ना सिफारिश था ना मैं किसी को जानता था, एक लगन थी, और लगन वाई इतना स्ट्रांग था कि बहनों की शादी करनी थी, घर बनाना था, भाई बहनों को पूरा परिवार, एक गरीबी का माहौल था, तो उससे निकलना था, तो एक लगन होती थी रात दिन. तो क्या करता था कि दिल्ली में जैसे भी सर्विस कॉल में जाता था, तो सर्विस करने के बाद अपनी रिपोर्ट को साइन कराना होता है मैनेजर से, तो उनसे जाके हमेशा पूछता था, सर डू यू नो एनीबॉडी इन मिडल ईस्ट, आई वांट टू गो एंड वर्क देयर. एंड फाइनली एज आई मेंशन
you know, one of my video that one Sardar NP Singh in Okhla, he used to, you know, I used to go and service, you know, his, basically he was my, in our client, Modi Jirak's client. And one day he said, yeah, you know, one of his friend, Abdul Haq from Bahrain, he's looking for Modi Jirak's engineer. And that's how I end up going there. So ye hota hai ki, ask, and try, and you may get it. Yeah, so that's how it works. And now there are so many other ways and possibilities are there. तो दोस्तों ये तो रहा कि आप कैसे जा सकते हो और कहाँ कहाँ आप जा सकते हो. चलिए पाते हैं उन 5 रीजन पे. But before I jump into those 5 रीजन दोस्तों, चलिए थोड़ा सा जैसा कि हमें अच्छा लगता है हमेशा आप अपने दोस्तों को उनके नाम को पढ़ना और लोग कहाँ से हैं. तो दोस्तों बहुत अच्छा होगा अगर आप ये टाइप करें कि कौन सी सिटी से मुझे सुन रहे हैं, इंडिया से या इंडिया के बाहर से. तो मुझे एक थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एक आइडिया होगा कि आप कौन से शहर से सुन रहे हैं. तो इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू टाइप योर सिटी, दैट विल बी रियली ग्रेट. And also if you are interested to migrate out, of course, out of India, then also you can type yes. So type your city name and type yes if you are interested to migrate. So maybe I can help you later on. Anyway, so let's name those my lovely friends who joined me here today. Vinod Kumar Vishwakarma ji, aur Alka Tiwari ji, Jitu Singh ji from Bombay, and Abhishek Khosla. Abhishek Khosla hamare NK Khosla ji ke bete hain, and I think he's Romania or Ukraine, somewhere in Eastern Europe. And then Ravi Kumar ji, and the Sarin Dave sahab, and then Girish Modha ji, and then Mahona Sarkar ji, Tarang Jain ji, Babita Sharma Mausi ji hamari Delhi se, aur Gaurav Sharma ji, Ashutosh Pandey ji from Brampton, Dushyant Goswami ji, and Sabir Gaya ji, and Khushwala Sangam ji, Navin Sujan ji, Prem Prakash Bajpayee ji, and Brijesh Dwivedi Lucknow, and Bukshana Modan, and Akhilesh Narayan Tiwari, and Paul Bhangu, and Jafar Muhammad Sahab. So thank you very much for joining. Chaliye ab is baat pe aate hain ki why every Indian youth need to become NRI for at least 5 years. When I say NRI means stay outside of India, mostly in the Western world like New Zealand, Australia, Europe, America. And for that matter, you know, that whole the South, you know, basically that Indian subcontinent, oh, India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Sri Lanka, those countries. So, दोस्तों क्या है जो सबसे पहला region जो है वो ये है दोस्तों कि अगर आप इंडिया से बाहर निकलेंगे, ऐसे मुल्कों में रहेंगे, then you will get the global exposure to live and experience in person. आप कह सकते हो global experience तो हमें इंडिया में भी मिलता है. हम global companies को support करते हैं, job करते हैं, phone पे support करते हैं, वो ठीक है. लेकिन in person आपका जो experience होता है, lifestyle का, लोगों से मिलने का, काम करने का ढंग, उससे बहुत बड़ा आपके अंदर change आता है, बहुत बड़ा आपको confidence मिलता है, आपको option मालूम होते हैं life में और क्या क्या कर सकते हो. Not only that, you will get the possibilities. क्यों, क्या होता है जब आप इन मुल्कों में आते हो दोस्तों, तो क्या होता है, जैसे इंडिया में आप काम कर रहे हो, सपोज कि आप कोई आईटी में काम कर रहा है, तो क्या होता है दोस्तों कि आईटी में एज आपने यू नो प्रोग्रामर से यू नो शुरू किया, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, उसके बाद आप यू नो डायरेक्टर बन गए, सीईओ बन गए, सीटीओ बन गए या कंपनी, यू नो ये आप सोचते रहते हो. लेकिन जब आप इन मुल्कों में आते हो, स्पेशली आप अगर यू नो अमेरिका में और कैनेडा में और यू नो यूरोप इन कंट्रीज़ में आते हो, तो क्या है दोस्तों आपके अंदर इतना यू नो एक जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, इतना कॉन्फिडेंस आता है कि हो सकता है कि जब आप वापस यू नो इंडिया में भी जाते हो तो आपको यू नो और ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है और आपको अपनी वैल्यू पता चलती है. क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोजर होता है, बहुत सारे आज भी इंडिया में हैं जो बहुत सारी चीज़ों का जो एक्सेस उतना हर आदमी को नहीं होता है, लेकिन इन मुल्कों में आने के बाद यू विल फील रियली फ्री. नॉट ओनली दैट, आपको और सारी पॉसिबिलिटीज़ मालूम चलती है, अरे हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं. क्योंकि जब आप वही काम मेहनत से करते हो, यहाँ पर आपको इतने ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप यू नो फुल
क्राइम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, या साइड में और कुछ कर सकते हो। तो बहुत अपने ही आपको अपने अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज और इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे कि बीइंग हियर यू नो आप इंडिया में भी काम कर सकते हो और कंट्री में भी काम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आपको अपनी जो स्किल्स हैं उनको क्या कह सकते हैं लेवरेज करने के बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दोस्तों मिलती हैं। नॉट ओनली दैट, अब यहाँ पे अगर आप NRI बन गए, फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देता हूँ कि अब जैसे NRI मिडल ईस्ट में भी होते हैं लेकिन वहाँ कोई परमानेंट स्टेटस नहीं होता, लेकिन तब भी हम NRI बोलते हैं कि आप इंडिया से बाहर रिजाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाट मीनिंग नॉन रेजिडेंट इंडियन। लेकिन कंट्री लाइक कनाडा, अब इसमें ऑप्शन ये होते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आप आपके रह लिए अब आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, भाई बहन को बुला सकते हैं, और यू नो तो ये मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। वंस यू आर लिविंग हियर देन यू विल नो एग्जैक्टली क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अदरवाइज आपको उनकी नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं होती है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है दोस्तों, इंडिया में जब हम रहते हैं जॉब करते हैं लगता है अरे चलो भाई अचानक कोई डिप्रेशन मार्केट में आया या कोई मार्केट में टर्न कुछ बैड सिचुएशन आए तो आप घबराते हो, अरे जॉब चली गई तो क्या होगा। क्योंकि इंडिया के भी बहुत सारे हमारे दोस्त कॉल करते हैं बेचारे, पाँच साल अभी आज ही बात हो रही थी तो वो नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बॉम्बे में हैं और वो UP से हैं तो बहुत उत्साहित होकर लिंक्डइन में आया कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बॉम्बे में काम कर रहे हैं, तो ऐसे बात चलने लगी। तो एडवाइस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि यू नो आपका स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, कि वो आना वो शायद उनको वर्क मिल रहा है कहना तो डिस्कस करना चाह रहे थे, तो ये पूछा कि वहाँ पे उनकी कितनी सैलरी है, तो बेचारे बॉम्बे में रह रहे अराउंड 62,000 मिलते हैं, और वही बात करने लगे कि बॉम्बे में अगर आपको हस्बैंड वाइफ के साथ रहना है तो 25-30,000 किराया होगा, खाने कहने का मतलब कि 60,000 से 70,000-75,000 रुपये अगर आपको बॉम्बे जैसी जगह मिलती है बेसिकली कुछ भी नहीं बचता है। या और दोस्तों अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि आप आगे पोजीशन बढ़ती जाती, सैलरी बढ़ती जाती, फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं और खर्चे हो जाते हैं। आप अगर सिंगल हो तो आप शेयर भी कर सकते हो या बाइक पे भी रह सकते हो, केवल ट्रेन पे रह सकते हो, लेकिन जब आपके पास यू नो वाइफ बच्चे हो जाते हैं, आपको कार भी मेंटेन करनी, लाइफ स्टेटस भी मेंटेन करना है, शादियाँ ब्याह गिफ्ट सब कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में दोस्तों नहीं जाता हूँ, इंडिया में भी रह चुका हूँ और लोग हैं जिनको कि मैं गाइड करता हूँ और यू नो एक तरीके से वो सब शेयर करते हैं। तो लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, पूरी ज़िंदगी आप किसी में बीत जाती है, कभी फ्री हो ही नहीं पाते, और जब फ्री होते हैं यू बिकम 65-70 ईयर ओल्ड एंड उसके बाद बहुत सारे यू नो इतनी फ्रीडम नहीं होती है घूमने फिरने की और सब करने की, यू फील रिस्ट्रिक्टेड इन मेनी वेज बिकॉज यू डोंट हैव दैट यूथ दैट एनर्जी एनी मोर। दैट्स वाई आई मेंशन अगेन एंड अगेन कि यूथ वाई एवरी यूथ, और सबसे बड़ी बात क्या है यूथ के पास, वो है जो आज हमारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, यू नो वंस यू बिकम 45 एंड प्लस एंड ऑल लाइक यू आर ना यू नो ठीक है चलिए यूथ कह सकते हैं, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यूथ लाइक टीनेजर टिल 30, उस यूथ से मेरा मतलब है यहाँ पे स्पेशली 20-25 के बीच का जो वो यूथ है, कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो बाहर गया भी माइग्रेट होके NRI में, अगर फेल भी हो गया फॉर सम रीजन व्हाट वर द स्टेट डिसीजन ही आर सी टूक, तो उसके बाद भी क्या होगा दोस्तों, अगर आप फेल भी हो गए तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो कोई आपसे ले नहीं सकता, और आपके पास बहुत सारा टाइम है रिवैम्प करने के लिए, आपको फिर से उठने के लिए। लेकिन अगर यही आप 50 की 55 या 60 की उम्र में स्टेप लेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि अगर कहीं बिग टाइम फेल होते तो शायद रिकवरी उतना आसान ना हो, तो ये मेरा मतलब था दोस्तों। तो ये रहा पहला रीज़न कि वाई एवरी यूथ नीड टू गेट एन एक्सपोजर, ये तो बाहर की ज़िंदगी कहाँ क्या कैसे ज़िंदगी होती है और उसके बारे में आपको पता चलता है, और उसके बाद आप जहाँ भी रहते हो एक दूसरे कॉन्फिडेंस के साथ में रहते हो। या चलिए दोस्तों अब दूसरी बात पे आते हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि यू विल लर्न टू अप्रिशिएट योर लाइफ मोर। क्या होता है दोस्तों कि जब हम इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ मैं रहा हूँ और आज भी हर साल जाता हूँ, तो क्या होता है जो हमारा वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारी कमाई ऐसी होती है कि जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाती है खर्चे उससे ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो होता क्या है दोस्तों कि केवल हम पैसा कमाना बिकम आवर सोल पर्पज ऑफ लाइफ, और उस होड़ में दोस्तों जिनको कि हम रैट रेस भी कह सकते हैं, और उसके बाद वंस यू बिकम मिडिल एज पर्सन लाइक 40-45 वो फिर मिडिल एज क्राइसिस या प्रेशर कुकर एज आप जो भी कह लें, वो क्या होता है कि आप कभी उससे निकल नहीं पाते। कहने को मतलब ज़िंदगी कब आई और कब चली गई, आपको उसको इंजॉय करने का जीने का मतलब कभी वक्त ही नहीं मिला है। लेकिन आप कनाडा और US और इन मुल्कों में रहते हैं तो एवरी वीकेंड लाइक अ स्विट्जरलैंड, एवरी मंथ लाइक स्विट्जरलैंड। यस नॉट एवरीबडी इज एंजॉयिंग हियर, बट
होता क्या है कि हम इंडिया से आते हैं लेकिन हमारी सोच इंडिया से कनाडा और अमेरिका में और वो यूरोप में तो आ जाते हैं लेकिन सोच तब भी रहती खूब पैसा कमाओ खूब बड़े बड़े घर रखो नथिंग रॉन्ग इन टू इट लेकिन एक बार पॉज करके अपने आप को जरा जिंदगी को देखो कि वो कहाँ जा रही है ये यूथ ये यंग ये छोटे छोटे हमारे बच्चे परिवार हमेशा इसी एज में नहीं रहेंगे चाहो तो उसको आप इंजॉय दोस्तों कर सकते हो। तो इसलिए क्या है कि दूसरा रीज़न ये है कि जब आप माइग्रेट हो गए यहाँ पे तो केवल पैसा ही कमाना आपका मकसद नहीं रहेगा धीरे धीरे जब आपको आप यहाँ पे देखोगे कि लोग किस तरीके से लाइफ एंजॉय करते हैं केवल मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं मोस्टली और वीकेंड अपने एंजॉय करते हैं लॉन्ग वीकेंड होता है उसको एंजॉय करते हैं उसके बाद गर्मियों में सॉरी ठंडी के समय में करेबियन या गर्म मुल्कों में चले जाते हैं क्रूज पे जाते हैं घूमने जाते हैं और गर्मी के समय में ठंडे मुल्कों में लाइक यूरोप उधर चले जाते हैं फिर क्या होता है एक मज़ा आता है यहाँ पे क्या होता है कि लगभग हर कोई फैमिली में ऐसा कर रहा होता सारी फैमिली कर रही होती है तो खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है फिर आपको भी अजीब लगता है अरे सब तो कर रहे हैं मैं क्यों नहीं तो दोस्तों ये होता है देन यू आर फोर्स्ड टू चेंज योर लाइफ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसको दे दूँ दोस्तों कि मैं आज भी बोल रहा था कहीं पे कि आज मेरी इतनी उम्र हो गई है 45 से ऊपर हो गया हूँ और आज मैं इंडिया में जाता हूँ जब अपने दोस्तों को देखता हूँ दोस्तों कहना खराब लगता आई फील समटाइम डिप्रेस्ड बूढ़े हो चुके हैं अपने ही जो उम्र के लोगों से मिलता हूँ तो कुछ तो उम्र से और कुछ सोच से बूढ़े हो चुके हैं दोस्तों ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है लिविंग इन यूरोपियन एंड इन दोज कंट्रीज वंस यू गो बैक टू इंडिया यू फील 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर यंगर देन योर एक्चुअल एज और आपकी ये लोग लॉन्जिटिविटी भी बढ़ जाती है यू लिव देखो जीना तो लोग 100 साल तक कहीं भी जी सकते हो लेकिन एक जीना केवल उम्र से और एक जीना हमेशा फिट होके दोनों में बहुत फर्क होता है तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों इन मुल्कों में रहने के। लेकिन शॉर्ट में मैं क्या कहना चाह रहा था कि रीज़न हमारा दूसरा ये है कि वी गेट चांस टू अप्रिशिएट आवर लाइफ मोर नॉट ओनली अ सोल पर्पज मेक मनी रादर हम आप इंजॉय जिंदगी को भी इंजॉय करते हो दोस्तों। और कितने लोग आते हैं कनाडा में और मिलता हूँ अरे हमें तो वहाँ वापस जाना है यहाँ कनाडा में कुछ नहीं इतना बोरिंग है डिप्रेसिंग है वहाँ मैं खाना मिस कर रहा हूँ गलियाँ मिस कर रहा हूँ दोस्त मिस कर रहा हूँ और वहाँ के गलियाँ और वो चौबारे और वो गंगा और यमुना और पानी पूरी और पकोड़े और कचौड़ियाँ और पराठे हम सब मिस कर रहे हैं मैं उनको बोलता हूँ कोई बात नहीं दोस्तों 2-3 साल रुकोगे यहाँ पे फिर आपको आदत पड़ जाएगी। और वही होता है बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको जानता हूँ जो वापस गए बहुत ही क्लोज फ्रेंड लेकिन फिर वापस कनाडा आ गए क्योंकि जब वहाँ आप जाते हो तो कनाडा में रह के जो चीज़ अप्रिशिएट नहीं करते हो दोस्तों एक बार जब इंडिया जाते हो या उन मुल्कों में जाते हो तो क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेरा एक छोटा सा बेटा अभी मुंडन कराने गए थे वहाँ पर उसको डायरिया हो गया और बुखार हो गया अब एक डॉक्टर के पास वहाँ पर जाता हूँ वो दवाइयाँ देता है एक डॉक्टर बोलता है कि चलो इसको हम एडमिट कर देते हैं और वो हम IV लगा देंगे ये वो दूसरा डॉक्टर बोलता है अरे IV मत लगाना वहाँ का बैक्टीरियल यहाँ का बैक्टीरियल दूसरा होता है बच्चा अगर सेप्टिक हो गया तो जिंदगी उसकी बचानी मुश्किल हो जाए मैं एकदम परेशान कर क्या करूँ मतलब ऐसे सब सोचो बोल रहे हैं और अभी भी हमारी 10 दिन छुट्टी बाकी थी। एनीवे दोस्तों ऐसा नहीं कि हमेशा सबके साथ ऐसा होता लेकिन एट सम टाइम यू फील टोटली है होपलेस लेकिन वो चीज़ों के बारे में इन मुल्कों में भी हो सकता है यहाँ पे चीज़ें लेकिन तब भी फार फार बेटर अगर आपको चांस मिले तो जरूर जरूर। तो ये है हमारा दूसरा रीज़न यू गेट चांस टू अप्रिशिएट योर लाइफ मोर यू विल लिव फॉर लाइफ नॉट ओनली फॉर मेकिंग मनी एंड एक्यूमुलेटिंग मनी एंड बिकमिंग द जस्ट लाइक अ केयर टेकर ऑफ मनी दोस्तों। तो ये रहा दूसरा रीज़न। चलिए हम तीसरे रीज़न पे आते हैं दोस्तों कि तीसरा रीज़न क्या है। तो तीसरा रीज़न है कि यू कैन हेल्प योर बैक कंट्री बेटर लाइक यू कैन हेल्प इंडिया इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम आई एम टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया न्यू आई एम सॉरी आई सी सम ऑफ माई फ्रेंड हु आर इंग्लिश स्पीकिंग सो आई एम सॉरी इफ़ यू आर इन्जॉइंग माई कन्वर्सेशन इज गुड बट अदरवाइज आई फील प्राउड बींग इंडियन कि मैं ये हिंग्लिश शो करता हूँ मंडे को जिसमें हिंदी भी बोलता हूँ और इंग्लिश भी बोलता हूँ। सो कैनेडियन भाषा को भी सल्यूट करता हूँ इज्जत देता हूँ और अपनी हिंदुस्तानी मातृभाषा को सल्यूट और इज्जत देता हूँ। फ्रेंच मुझे आती नहीं इसलिए बोलता नहीं। तो दोस्तों बहुत बहुत मज़ा आता है आप समझ नहीं सकते अपने लिविंग रूम में मैं फ़ोन लेके ऐसे टहल रहा हूँ और बोल रहा हूँ 5 पॉइंट हमने पेपर में लिख लिए हैं। कभी कभी आपको पेपर की थोड़ी थोड़ी सी ऐसे खरखराहट की आवाज़ आती होगी क्योंकि मैं बाएं हाथ में पेपर लिया हूँ आँखों में रीडिंग ग्लासेस पहना हूँ राइट हैंड में अपना ये एंड्रॉयड का S8 फ़ोन लिया हूँ
और उससे जो हमारा ये हेडफोन हुक्ड है, तो ये है दोस्तों, शॉर्ट पहना हूँ, रेड कलर की शर्ट पहना हूँ और वॉक कर रहा हूँ और अपने दोस्तों से 12,000 किलोमीटर दूर बैठ के बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों तीसरा रीज़न, जैसे मैंने बताया कि यू कैन हेल्प इंडिया इवन मोर, वो कैसा, आप देखते होंगे सुनते होंगे कितने सारे लोग अमेरिका से, यूरोप से, यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ पे आते हो, यहाँ का जो सोशल सिस्टम देखते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको इतनी बढ़िया लगती हैं, चाहे यहाँ का रोड का हो, चाहे यहाँ का यू नो क्लीनिनेस हो, चाहे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हो, तो आप क्या करते हो, ये चीज़ें यहाँ शेयर करके, बहुत सारे आजकल देखा होगा कि हमारे कितने सारे मिनिस्टर लोग वहाँ से आते हैं यहाँ पे, यू नो इन कंट्रीज़ को विजिट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल एक चाहे वो देश की भावना समझो कि अरे इन देशों पर ऐसा हो रहा, तो हम अपने हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, तो आपके अंदर एक जागता है कि चलिए। नॉट ओनली दैट, इन मुल्कों में क्या होता है दोस्त कि आपके पास एक कोठी है, 10 कोठी है, कोई केयर नहीं करता, एक कार है, 2 कार है, 10 कार, कोई केयर नहीं करता, कहने मतलब इतना पैसा रुपया हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली हु केयर्स, यू आर काइंड ऑफ यू नो जाओगे, बैठोगे, दारू पियोगे, लौट के आओगे। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको सोसाइटी को हेल्प करने की, लोगों के हेल्प करने की बहुत ज़रूरत है आपको। तो लेकिन जब एक बार यहाँ पे आ जाते हो, कितने लोग देखो दोस्त यू नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेते हो, तो आपकी जो अपनी ज़रूरतें होती हैं, जो बेसिक नीड होती हैं, वो इतनी जल्दी यहाँ पे पूरी हो जाती हैं अगर आपने अपनी आदतों को कंट्रोल किया। भाई आप अगर ड्रग्स में, बूज में या बैड हैबिट्स में, गैम्बलिंग में पड़ गए, तो कितना भी अमाउंट पैसा वो कम होगा, लेकिन अगर आपने सही ढंग से अपने आप को चलाया, तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा यहां पे कमा सकते हो। तो क्या कर सकते हैं फिर हम, इंडिया को भी और अच्छे तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं, कॉलेज बनवा सकते हैं, यू नो यूथ की हेल्प कर सकते हैं, हर तरीके की। आप मेरे को देखो दोस्तों, अगर मैं शायद इंडिया में होता, मुझे इतना कभी वक्त ही नहीं मिलता कि मैं फ्री में जाके आधे घंटे, एक घंटे या घंटों में फेसबुक में, रेडियो में। लेकिन इस कंट्री ने, इन मुल्कों ने, मैं मेहनत, खाली मेरे फर्क इतना था कि जितना मैं मेहनत गाँव या दिल्ली या बॉम्बे में या बेंगलोर में वहाँ करता था, वही मेहनत मैंने यहाँ कंटिन्यू की, और उस मेहनत की वजह से रिजल्ट ये मिला कि 45 की एज में रिटायर हो गया और आज मैं जो चाहूँ सो करूँ। और एक चीज़ सबसे अच्छी करने में मज़ा आती है कि अपने दोस्तों को, अपने हिंदुस्तान वासियों को कुछ चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों से आप सहमत हो, लेकिन जितना सीखा है और इतनी सारे फ़ोन कॉल में लोगों को जब थोड़ा सा समझाता हूँ, कोई कोई रोने लगते हैं, बोलते सर, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे सर यही तो मेरे को डर था और आपने मेरा डर निकाल दिया, इतनी खुशी होती दोस्तों, इसलिए कि हर तरीके का दुख, हर तरीके की गरीबी, हर तरीके की परेशानी देखी है उसी दिल्ली में, कावासाकी 4 स्ट्रोक में, जब मैं अपना रुमाल बांध के वो विकास मार्ग से जाता था, लक्ष्मी नगर में विजय चौक पे रहता था, जब वहाँ पे वॉशरूम में जाता था, थोड़ा सा मुंह साफ करता, खखारता था, तो उसमें काला काला क्या क्या निकलता था दोस्तों, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन। आज भी हमारे दोस्त उससे सफ़र कर रहे हैं, सब लोग तो यू नो नहीं माइग्रेट हो सकते, लेकिन क्या करते हैं कि कुछ यू नो अगर चांस मिले तो आपको दोस्तों ज़रूर ज़रूर आना चाहिए। रहा तीसरा रीज़न दोस्तों, चलिए चौथे रीज़न पर आते हैं। तो दोस्तों जो चौथा रीज़न है जिसको कि मैं यहाँ पे बताने चाह रहा हूँ, वो है दैट यू योर स्किल विल हैव मोर रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। दोस्तों क्या होता है कि जैसे इंडिया में हम बात करते हैं दोस्तों में, तो बोलते हैं अरे सर, मैं एक बात करता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ जयपुर या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हुआ वहाँ पर जाता हूँ, IITs में जाता हूँ, IIT में जाता हूँ, IRT में जाता हूँ, पॉलिटेक्निक में जाता हूँ और कॉलेजेस में जाता हूँ, तो जब डिस्कस करता हूँ वहाँ से, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बोलता हूँ अरे सर इतना कहाँ, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का पैकेज, तो हम कह रहे तो 4 लाख ठीक है, तो स्टार्ट विद सैलरी मंथली, वो तो नो नो सर, मंथली नहीं, साल का पैकेज होता है। तो कहने का मतलब है कि एक अगर हम एग्जांपल दें, जैसे कनाडा है, तो कनाडा में यहाँ पे के जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी $15 घंटे के होते हैं, इंडिया के हिसाब से अराउंड 750 रुपये एक घंटे का होता है। मैं देखिए इंडिया से खाली कन्वर्जन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की लाइफ वहाँ की लाइफ अलग, लेकिन कहने का मतलब $2,000 यहाँ कनाडा में कमाना और इतनी मुश्किल बात नहीं, एक मिनिमम आदमी जो मिनिमम वेजेस पे काम करता है एज ए जनरल लेबर, वो भी कमा सकता है दोस्तों। और यहाँ आपके ऊपर है, अगर आप रहना चाहें तो यहाँ का खाना पीना इतना सस्ता है कि एक आदमी हमें लगता है 250-300 डॉलर, कहने का मतलब कि आप जितना 2000 अगर कमाते हो, अगर मिनिमम वेज भी आप अर्न करते हो, तो 2000 कमा लोगे महीने में, और उसका जो 10% केवल आपका आपके खाने में लगेगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको घी, दूध, नान वेज अगर आप खाने वाले हैं, कि पता नहीं वो जो लोग चिकन मटन खाते हैं 300-400 रुपये 500 रुपये किलो मिलता है, मैं बोलता हूँ कि अगर एक 4 लोगों की फैमिली अगर ठीक से केवल खाना वहाँ पे खाए, तो बहुत महंगा पड़ता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो बेसिक नीड्स हैं इन
मुल्कों में, दैट्स वाई ये कहलाते हैं कि डेवलप्ड कंट्री की बहुत सस्ता पड़ता है दोस्तों। तो $2,000 के अंदर आप अपने आप को अकेले आराम से मैनेज कर सकते हो, इवन फैमिलीज यहाँ मैनेज होती हैं। तो उस एंगल में बाकी आपके ऊपर, आप कितना कमाना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, यू नो सिस्टम इतना बढ़िया है कमाने के, तो लोग जो यहाँ पे घर बेचते हैं, रियल इस्टेट करते हैं, यू नो मिलियंस, दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर, यू नो। तो कहने मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये मेरा दूसरा रहा चौथा, कि आपके जो स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, एज ए फुल टाइम काम कर सकते हैं, आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज दोस्तों। होता क्या है कि 9 to 5 मीन्स 9 to 5, उसके बाद इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि बहुत थकावट होती नहीं है, आप जल्दी घर आ जाते हो, वीकेंड आपके पास होते हैं। तो अगर आप जो मेहनत इंडिया में करते थे कि 6 दिन आप काम करते थे, अगर यहाँ आप 5 दिन काम करते हो, सैटरडे आप ये मान लो कि आप इंडिया में ही काम करो, खाली सैटरडे अगर 8 घंटे आप डिवोट कर दो कोई साइड आप बिजनेस डेवलप करने के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो या किसी भी सेल्स में बन सकते हो, खाली 1 दिन में 4 सैटरडे आपको महीने में मिलेंगे, और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 48 आपको सैटरडेज खाली मिलेंगे पूरे साल में, और 48 सैटरडे में अगर आपने 10 घंटे भी काम किया तो 500 घंटे आप काम कर सकते हो, और 500 घंटे में यू कैन मेक रियली रियली गुड मनी। तो ये दोस्तों मैं बताता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, आपके पास एनर्जी होती है, आप थकते नहीं हो, तो उस केस में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करते दोस्तों। यहाँ आके एक दो चार महीने 6 महीने बड़ा कन्वर्जन करते रहे, कितना खर्चा किया, इंडिया रुपए कितना हुआ, उसके बाद से हम भी यहाँ की मौज मस्ती आराम में पड़ जाते हैं। क्यों पढ़ना, क्यों करना भी चाहिए, और फिर हम धीरे धीरे पैसे के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, लाइफ को भी इंजॉय करते हैं। तो ये है कि कुल मिला के अगर आपके पास स्किल्स हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से इनकैश कर सकते हो। मैं जानता हूँ ऑफिस में, हमारे ही ऑफिस में, अब आईटी में, अब आईटी में थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस हो, आज के डेट पे $100 घंटे के बनाना, $80 घंटे के बनाना, इट्स नॉट अ बिग डील। कहने का मतलब कि $100 घंटे के बनाते हो, कहने का मतलब $2,00,000 आप साल के बना सकते हो। ऐसा नहीं कि हर कोई बना रहा है, लेकिन सेम टाइम हर कोई भी बना सकता है, लेकिन लोगों के अंदर इतना विश्वास ही नहीं कि हम बना सकते हैं। सब हो सकता है दोस्तों, पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकता है भाई, लोग बना रहे हैं, तो इफ समबडी हैज डन इट व्हाई नॉट यू। तारीफ तो तब है कि इफ नोबडी हैज डन इट एंड डू इट। या दोस्तों बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, इतनी सारी चीजें बोलने को होती हैं और थोड़ा टाइम है क्योंकि एक दूसरी कॉल पे अभी जाना है। तो ये रहा चौथा रीजन दोस्तों। जो लास्ट रीजन आता है, इतना बड़ा रीजन है, और वो है कि थिंकिंग बिग, अ काइंड ऑफ जो पर्सपेक्टिव आपको मिलता है। क्या होता है दोस्तों कि इन मुल्कों में आते हो, अगर आपने देखा होगा कि स्पेशली हिंदुस्तान से बड़े बड़े जो बिजनेस घराने के लोग होते हैं, चाहे वो हमारे मुकेश अंबानी जी की बेटी हो, बेटा हो, या जो बड़े बड़े बिजनेस घराने के जो पैसे वाले, अपने बच्चों को MBA कराने के लिए US ही क्यों भेजते हैं? क्या हमारे यहाँ MBA कमी, हमारे यहाँ बहुत सारे MBA हैं? तो क्या होता है, जो इंडिया के MBA हैं, चाहे जितने भी IIMs हो, या बहुत सारे जो टॉप IIM लीग है, उसके बाद और सारे MBA कॉलेजेस हैं, तो होता क्या है दोस्तों कि इंडिया में ज़्यादातर जो पढ़ाई होती है वो थ्योरेटिकल होती है, ठीक है। US अगर हम, क्या होता है कि ऑन जॉब, कहने का मतलब कि यू विल सी एक्चुअली हाउ इट हैपेंस इन द वर्क प्लेस, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं एंड दे टॉक बिग थिंग्स, बिकॉज वो छोटी छोटी सोच नहीं होती। फर्क मैं इतना बता दूं, अगर आपने MBA किया US में और 2-3 साल अगर आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिला, तो क्या होगा, आपकी सोच इतनी बड़ी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो जाता है कि इंडिया में अगर आप वापस जाओगे तो यू विल हैव कॉन्फिडेंस टू थ्रो योर ओन कंपनी एंड हायर 200 पीपल एंड यू नो स्टार्ट अ बिग वेंचर। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर ही MBA करते हो तो क्या होता है दोस्तों कि बहुत टाइम, अरे आज मैनेजर बन गया, डायरेक्टर बन गया, CEO बन गया, ये बन गया, वो बन गया, खाली उसी में। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों इंडिया की अपने वहाँ पे, बट डोंट यू नो होल्ड मी यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम नॉट सेइंग एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, बट एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, बट एक्सेप्शन कांट बी अ रूल। तो यह है, तो लेकिन यहाँ पे आके ना, कि मैं तो बताया कि स्पेशली अगर किसी भी यूथ को कभी भी मौका मिले पूरी दुनिया में अगर 1 साल उसको स्पेंड करने का, तो उसे स्पेंड करना चाहिए अमेरिका में, और वो भी कैलिफोर्निया में दोस्तों। कैलिफोर्निया, एनी प्लेस, सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो, सैन यू नो कहीं पे भी। पिछले साल में 2017 में 17 बार मैं गया हूँ कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों कि आप जाएं, होता क्या है कि मैं बात क्यों करता हूँ कैलिफोर्निया की दोस्तों, अगर कैलिफोर्निया में आज की डेट पे अगर आप $1,00,000 आप कमा रहे हैं, और तो समझ लीजिए यू आर पुअर, क्योंकि इट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर लाइफ, इज सो एक्सपेंसिव।
तो क्या होगा कि इन द प्रोसेस यू विल स्ट्रेच टू मेक मोर मनी, एंड फिर एक बार जो आपका सोच स्ट्रेच हो जाती है, वो चाहे रिस्क लेने की हो, चाहे बड़े प्रोजेक्ट सोचने की हो, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे इंडिया में जाते हो तो सब कुछ इतना छोटा छोटा लगता है क्योंकि यू हैव हैंडल मच बिगर प्रोजेक्ट. तो मेरा कहने का मतलब ये था, व्हेन यू गेट एक्सपोज टू दोज बिगर प्रोजेक्ट, बिगर प्रॉब्लम एंड बिगर चैलेंजेस, उसका सब कुछ छोटा लगने लगता है एंड दैट कॉन्फिडेंस पेज यू ऑफ. सो ऑन टॉप ऑफ दैट, इन पाँच रीजन के अलावा जब भी आपको बाहर का एक्सपोजर मिलता है, अगर यहाँ से आप लौट के आप मिडल ईस्ट में जाना चाहो या आप इंडिया में भी जाना चाहो, यू विल बी ऑफर्ड बेटर सैलरी, यू विल हैव बेटर रिकॉग्निशन, यू विल हैव बेटर रिस्पेक्ट, यू विल हैव बेटर यू नो काइंड ऑफ द यू नो द इज्जत और ज़्यादा आपको मिलेगी. तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी बातें इसमें अच्छी लगी हों, आप जिससे कनेक्ट किए हों, ज़रूर आप टाइप कीजिएगा कमेंट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को सुन के. तो दोस्तों, ये रहा आपका दोस्त राकेश मिश्रा, टोरंटो से, कनाडा से आपके सामने आज हाजिर हुआ मंडे की सभा में. और आज का जो टॉपिक था वो था कि फाइव रीज़न व्हाई एवरी इंडियन यूथ नीड टू बी NRI इवन फॉर 5 years एटलीस्ट. तो उससे बहुत बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलता है. और दोस्तों, एक बार जल्दी से मैं रैप अप पढ़ना चाहूँगा. मैंने थोड़ा ब्रीफ ये भी किया था कि वेयर टू माइग्रेट एंड हाउ टू माइग्रेट, उस पर भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी आपसे. लेकिन दोस्तों, ये मैं कोई प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, कोई सर्टिफाइड नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. बाकी अगर कोई भी आप ऐसा मेजर मूव करना चाहें तो यू नीड टू कंसल्ट टू द एक्सपर्ट हु आर लाइसेंस टू प्रैक्टिस दीज एरियाज. तो जो मैंने पांच चीज़ें आज से आज आपको शेयर की कि वाई एवरी इंडियन यूथ नीड टू बी NRI फॉर एटलीस्ट 5 years. तो फर्स्ट, पहला जो था वो था कि टू गेट ए ग्लोबल एक्सपोजर एंड दैट रिजल्ट्स इनटू मोर ऑप्शन एंड मोर पॉसिबिलिटीज इन योर कैरियर एंड लाइफ. रीजन नंबर टू, यू विल लर्न टू अप्रिशिएट योर लाइफ मोर. व्हाई? बिकॉज यू नो सम इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इफ यू वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम यू वर्क फॉर द मनी, बट इफ यू कम टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ओनली द मनी, यू ऑल्सो want to enjoy your life with your family and friends. So you will learn to appreciate your life more. It's a big one if you see in that way. And the third one, that you can even help your home country better because you will be exposed to better technology, better resources, and those resources and technologies and the network and the connection you can use to build India even more and more strong. Even Hamare Modi Sahab, they go and travel. Why? Because they have more collaboration, more meeting, more ideas to build our इंडियन नेशन इवन बेटर. दोस्तों, और जो चौथी चीज़ है कि आपकी जो योर स्किल विल हैव मोर रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन बिकॉज यू विल बी मोर अप्रिशिएटेड, पेड मोर, एंड इन टर्म्स ऑफ द पर्क्स, इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ द सैलरीज एंड ऑल दोज थिंग्स, यू नो, सो यू विल बी मच मच अप्रिशिएटेड हियर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ह्यूमन वैल्यू ह्यूमन की होती है और की जाती है, दैट इज बिग टाइम. एंड द फिफ्थ वन, विच इज़ द रियली बिग वन, दैट यू नो थिंकिंग बिग, दैट एटीट्यूड पे will pay you a big way no matter where you stay. And overall, having exposure to Europe and North America, what will happen even if you decide to go back to other country like your neighboring country like in Middle East or for that matter even Indian country, Indian companies, you will be rewarded with a better salary and better respect. So I hope I was, you know, very practical and shared my own journey and learning and experiences in this area, and that will help you. And you are more than welcome to write to me if you have any specific question. I will try to help as much as I can. You can write to me, reach me, and my email address, my personal email address is youreachrakesh@gmail.com. youreach, youreach, Rakesh, rakesh@gmail.com. youreachrakesh@gmail.com. बाकी हमारे फेसबुक में, मैसेंजर में आप जा सकते हो, वहाँ पे टाइप कर सकते हो. और हमारी वेबसाइट है rakeshonfire.com या राकेश मिश्रा ऑन फायर, और कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो. और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. दोस्तों, इससे ज़्यादा बस बहुत मज़ा आता है दोस्तों. सो चलिए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगा, और सबको मिलके एक बार, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, जल्दी से सबके नाम पढ़ देता हूँ. बहुत मज़ा आता है मुझे नाम पढ़ने में कि अरे अपने दोस्तों के नाम आपसे 12,000 किलोमीटर दूर बैठ करके ले रहा हूँ, अच्छा लग रहा है.
और आपने ज्वाइन किया, इसी तरीके से ज्वाइन करते रहेगा, काफ़ी हौसला अफजाई होती है और अच्छा लगता है। दोस्तों क्या होता है कि मुझे मज़ा आता है चीज़ें करने में, अदरवाइज़ किसी के पास दोस्तों वक्त नहीं होता है, किसी के लिए लाइफ यहाँ पे इतनी बिजी हो जाती है, इवन हिंदुस्तान में यहाँ से बिजी लाइफ है। तो चलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई जी कोई सर कोई साहब नहीं, केवल मैं नाम लूँगा, विनोद अलका जीतू अभिषेक रवि सौरभ गिरीश मोहना तारंग बबिता गौरव आशुतोष दुष्यंत शबीर कुशवाहा नवीन प्रेम ब्रजेश रुक्साना अखिलेश पॉल जफर जॉली अंकल तारा जॉली अंकल सिम एंड सिमरन प्रीत प्रेमजीत विनीता जसदीप संजीवन श्वेता रेखा तपन विनय सिमरन ब्रनार मनोज सुखप्रीत संजय सियाना वेरोनिका देवी शंकर सद्धोला भाई साहब आलिया सिंह हरकांत एंड विनय। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन दोस्तों, आप सबको ये इनविजिबल सल्यूट, मैं रियली सल्यूट करता हूँ, मज़ा आता है क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो सल्यूट के लिए। यहाँ कनाडा में 11 से ऊपर हो गया है, सॉरी 12 बज गए हैं और आप लोग मेरे साथ हो, और इंडिया में बताइए आज मंडे का बिजी डे है और आप लोग अपना समय वक्त निकाल के मेरे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो चलिए इसी वादे के साथ कि अगले मंडे को सुबह हम फिर मिलेंगे, कोई टॉपिक आप चाहें अगर डिस्कस करना तो ज़रूर आप टाइप करें, और जो भी अच्छा लगा हो जो भी खराब लगा हो कोई गाइडेंस हो और कुछ हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अब नमस्कार, अपने अल्फाजों को यहीं से अब बंद करता हूँ, विराम देता हूँ इस वादे के साथ कि अगले मंडे को फिर मिलता हूँ। ओके बाय बाय, हैव अ वंडरफुल टाइम, इंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अप्रिशिएट लाइफ मोर। थैंक यू, बाय बाय।